हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का टॉपिक वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी लर्न दे के पूरे दुनिया में किस किस प्रकार के अनोखे स्पोर्ट्स होते हैं क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमें पता चला कि देर आर सर्टन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स विच आर नॉट वेरी कॉमन बट आर इक्वली एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग इज इंट इट जैसे स्कूबा डाइविंग हो गया जिमनास्टिक्स हो गया स्केट बोर्डिंग हो गया आइस स्केटिंग हो गया कितना ज्यादा फन होता है ना इन गेम्स में तो चिल्ड्रेन अब हम इसी चैप्टर की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व ताकि ये चैप्टर को हम बना लेंगे और भी ऑलराइट सो लेट स्टार्ट द टॉपिक वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओके वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स सो चिल्ड्रेन बहुत सिंपल सा आपको एक्सरसाइज दिया गया है वो ये है कि आपके सामने दी गई है पिक्चर्स पिक्चर्स में क्या है कि वहां पे शो किया जा रहा है कि कौन सा स्पोर्ट प्ले हो रहा है लेकिन नाम नहीं मालूम तो नाम आपको इन हेल्प बॉक्स में से निकालना है राइट right आंसर लिखना है और एक्सरसाइज को कर देना है सॉल्व ओके okay? तो जो पहला आपका जो स्पोर्ट मुझे दिख रहा है वो मुझे काफी जाना पहचाना लग रहा है तो आप भी एक बार गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पास में है आपके एक स्ट्राइकर जिसको वो क्या कर रहा है बॉल पर दे रहा है और बॉल को कहाँ भेजने की कोशिश हो रही है होल्स में तो इस तरह का गेम चिल्ड्रन आउटडोर गेम होता है खेला जाता है क्लब्स में क्लब्स में जहाँ पे होते हैं खूब बड़े बड़े से कोर्ट्स, राइट सो चिल्ड्रन इस गेम को क्या कहते हैं एंड लेट मी गिव यू वन हिंट कि जो ये गेम है दिस इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम्स महंगा गेम होता है ये ओके सो चिल्ड्रन ये कौन सा गेम है आपको बताना है इसका नाम सो चिल्ड्रन दिस गेम इज गोल्फ ऑल राइट सो गोल्फ का गेम जो है चिल्ड्रन वो काफी ज्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड यस लेकिन आपको करना पड़ता है कोई क्लब ज्वाइन और वहां जाके आपको सीखना पड़ता है ये गोल्फ और होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम लेकिन होता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सो चिल्ड्रन दिस गेम इज गोल्फ गेम क्लियर हो गया ओके नाउ नेक्स्ट वॉट इज दिस तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि जो प्लेयर है या फिर जो भी इंडिविजुअल है वो पानी पर है और पानी में चिल्ड्रन क्या कर रहा है मजे कर रहा है इसे बहुत मजे आ रहे हैं पानी पे इट क्या करने में सर्फ करने में और चिल्ड्रन इस गेम को हम क्या कहते हैं इस गेम को हम कहते हैं विंड सर्फिंग जब हवा चलती है और लहरें उचका लेती हैं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो जो ये बोट है जो चिल्ड्रन जो ये बोर्ड है जहाँ पे ये एंगल लगा हुआ है जहाँ पे उसने ये होल्ड करके रखा है वो भी लहरों के ऊपर ऊपर से निकलता है एंड देन यू कैन इमेजिन चिल्ड्रन कितना मजा आता होगा ओके सो दिस इजोर्ट फिंग वेरी फेमस स्पोर्ट इन बीच जो बीच एरिया होते हैं जहां पे खूब बड़े बड़े से समुद्र होते हैं सीज होते हैं वहां पर इस प्रकार का खेल खेला जाता है सो so, इसको हम कहते हैं विंड सर्फिंग ओके सो आई विल जस्ट राइट डाउन द नेम विंड सर्फिंग ओके okay, सो so आप देख सकते हैं कि विंड सर्फिंग है अब जब कभी आपका गोवा हुआ जाना होगा वहाँ के बीचेस पे आप देखोगे कि इस प्रकार के स्पोर्ट होते हैं और इसे हम कहते हैं विंड सर्फिंग ऑल राइट मूविंग टू नेक्स्ट वन नाउ चिल्ड्रन व्हाट यू कैन सी हियर? तो चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है फ्लेक्सिबिलिटी क्यों क्योंकि आपको अपने आर्म्स लेग्स सब कुछ स्ट्रेच करना पड़ता है और उसी तरह चिल्ड्रन हवा में आपको अपने अपने क्या दिखाने पड़ते हैं कर्तव्य दिखाने पड़ते हैं अपने मूवमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और हवा में दिखाते दिखाते आपको बहुत ही स्मूथली नीचे लैंड करना पड़ता है तो चिल्ड्रन इस प्रकार के स्पोर्ट को क्या कहा जाता है so, इस प्रकार के स्पोर्ट को कहते हैं हम जिमनास्टिक्स ऑल right? इसको हम कहते हैं जिमनास्टिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है ओलंपिक्स गेम में ओलंपिक गेम्स में जिमनास्टिक्स का एक इवेंट होता है टूर्नामेंट होता है जहाँ पे विश्व के बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और पार्ट लेते हैं लेकिन जो सबसे अच्छा मोमेंट्स करके दिखाता है फ्लेक्सीबिलिटी दिखाता है वो ही चिल्ड्रन जीतता है इस कॉम्पिटिशन को ओके तो दिस गेम इज नोन एज जिमनास्टिक्स क्स्ट next. Next, कौन सा स्पोर्ट दिख रहा है आपको मुझे तो ये दिख रहा है ऐसा स्पोर्ट जिसमें बॉल को दूसरी तरफ फेंका जा रहा है विद दी हेल्प ऑफ हैंड्स तो ये कौन सा स्पोर्ट इवेंट है चिल्ड्रन कौन सा खेल है ये सो चिल्ड्रन दिस स्पोर्ट इज नोन एज वॉलीबॉल ओके इसे हम कहते हैं वॉलीबॉल क्या आपको पता है चिल्ड्रन जो बीच में वॉलीबॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं बीच वॉलीबॉल सो so, वॉलीबॉल इज द गेम चिल्ड्रन जहां पर आपको बॉल के कोर्ट में फेंकना होता है यूजिंग योर हैंड्स तो इसे हम कहते हैं वॉलीबॉल तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर द नेम ऑफ द गेम दैट इज वॉलीबॉल क्लियर तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वॉलीबॉल क्या होता है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से जब भी आपको पिक्चर्स दिखाई जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हम आखिर कौन से स्पोर्ट की बात कर रहे हैं कॉमन स्पोर्ट्स तो ठीक है कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन उन स्पोर्ट्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना जो थोड़ा हटके हैं इज इंट इट सो चिल्ड्रन यहाँ पे कौन सा गेम हमने लिखा यहाँ पे हमने लिखा वॉलीबॉल अब हम बढ़ेंगे आगे Não. ये कौन सा स्पोर्ट है तो चिल्ड्रन ये एक स्पोर्ट भी है प्लस ये एक मस्ती भरा एक गेम भी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि द बॉय इज सो सो हैप्पी क्योंकि ही इज हैविंग सो मच ऑफ फन इज इट क्योंकि वो स्केट बोर्ड में क्या कर रहा है चल रहा है और करते भी दिखा रहा है और उसे बहुत मजा आ रहा है सो चिल्ड्रेन दिस गेम इज नोन एज स्केट बोर्डिंग जिसमें क्या होता है बोर्ड रहता है जिसके ऊपर आप बैलेंस करते हो क्योंकि जो बोर्ड होता है उसके नीचे लगे होते हैं ये व्हील्स जैसे आपके स्केटर्स होते हैं ना स्केटिंग करते हुआ उसी तरह से चिल्ड्रन ये क्या कहलाता है ये कहलाता है स्केट बोर्ड तो लोग इसे स्पोर्ट के हिसाब से भी लेते हैं और दूसरा मस्ती के हिसाब से भी स्केटबोर्डिंग करते हैं तो दिस इज स्पोर्ट इज नोन एज स्केटबोर्डिंग तो हम क्या लिखने वाले हैं यहां पे हम लिखने वाले हैं यहां पर स्केट बोर्डिंग ओके, ओके, इट, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे कौन से स्पोर्ट्स आने वाले हैं नाउ वॉट इज दिस ये कौन सा स्पोर्ट है चिल्ड्रन तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन के पीछे क्या है बहुत सारी बर्फ है तो ऑब्वियसली ये कोई ठंडी वाला ही स्पोर्ट होगा तो इसे हम कहते हैं आइस स्केटिंग ओके okay? यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आइस स्केटिंग डिफरेंस क्या है कि पैरों में तो स्केटर्स हैं चिल्ड्रन लेकिन हम इसे कर रहे हैं बर्फ के ऊपर ना कि नॉर्मल सरफेस पे और इसलिए इस स्पोर्ट का नाम हो जाता है आइस स्केटिंग बिकॉज यू आर स्केटिंग ऑन दी आइस ठीक है सो so हम यहां पे लिखेंगे आइस स्केटिंग ऑल राइट तो आप समझ गए कि कौन कौन से गेम्स हैं और किस किस प्रकार के उनके होते हैं नेम्स सो दिस इज आइस स्केटिंग डन ऑन आइस ओके नाउ वट इज दिस चिल्ड्रेन तो आप इसे क्रिकेट मत समझ लेना क्योंकि ये क्रिकेट से मिलता जुलता तो गेम है लेकिन ये क्रिकेट नहीं है चिल्ड्रेन ठीक है हाँ ये बात है कि वहां इस वाले गेम में भी बैट की जरूरत होती है और बॉल की जरूरत होती है लेकिन येस चिल्ड्रेन दिस गेम इज नॉट एट ऑल क्रिकेट दिस इज द गेम विच इज नोन एज बेस बॉल सो जो बेस बॉल का जो गेम होता है इट इज क्वाइट सिमिलर टू योर क्रिकेट ओनली स्टूडेंट्स लेकिन ये जैसे क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बेस के डिफरेंट होते हैं चिल्ड्रेन लेकिन दोनों में जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है माने कि बैट बैट बॉल बॉल वो सिमिलर होती है लेकिन यहां पे जो गेम दिखाया जा रहा है वो है आपका बेस बॉल ठीक है ओके okay. नाउ वॉट इज दिस तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लगे हैं ब्रीदिंग इक्विपमेंट और बहुत ही डीप अंडर दॉटर के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं स्विम कर रहे हैं तो चिल्ड्रन इसे हम कहते हैं स्कूबा डाइविंग डाइविंग is? Is जब आप डीप अंडर दॉटर चले जाते हो और आपको सांस लेने के लिए ब्रीदिंग की इक्विपमेंट चाहिए होते हैं तो इसलिए इन सबके मुंह में आप देख सकते हैं क्या है ब्रीदिंग इक्विपमेंट है ओके okay, और जहां से क्या आ रही है सांस आ रही है ओके okay? यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है और इसे हम कहते हैं स्कूबा डाइविंग क्लियर हो गया आप सभी को कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कूबा डाइविंग आप देख सकते हैं इनके पाइप सब कहा जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो जहां पे ये आए होंगे जिस एरिया तक आए होंगे डाइव करने के लिए शिप में क्रूज में जिसमें भी उसमें वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है विद द हेल्प ऑफ पाइप चिल्ड्रन दीज ऑल प्लेयर्स आर ब्रीथ

Now. वॉट इज दिस विच टाइप ऑफ गेम इज दिस चिल्ड्रेन तो आप सभी को पता ही होगा कि इसे हम कहते हैं बास्केट बॉल गेम जिसमें क्या होता है जिसमें यह होता है कि एक टीम के मेंबर्स को दूसरे टीम के मेंबर से क्या करने पड़ते हैं बॉल को नेट के अंदर डालना पड़ता है जितने ज्यादा बार आप नेट के अंदर बॉल डाल देंगे यू विल बी दिनर एंड जितने कम बार आप डालेंगे आप हार जाएंगे क्लियर सो दिस इज द गेम विच इज नोन एज बास्केट बॉल तो आप देख ही सकते हैं बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है इज़ रेक्टेंगुलर शेप। बास्केटबॉल जो होता है वो कोर्ट होता है उसका स्पेसिफिक और वो होता है रेक्टेंगुलर साइज का और ऑरेंज कलर का तो सिमिलरली आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का क्या है उसका फ्लोर है कोर्ट है और ये गेम हो रहा है बॉयज के द्वारा और दे आर ट्राइंग टू पुट द बॉल इन साइड दैट नेट एंड दिस स्पोर्ट इज नोन एज बास्केटबॉल ओके नाउ चिल्ड्रन चूज द बेस्ट वर्ड तो अब क्या है आपके पास में आपके पास में दिए गए हैं क्वेश्चन और साथ में दिए गए हैं ऑप्शन आपको बेस्ट वाला जो वर्ड है दैट इज द राइट आंसर आपको चूज करना है, है ना चूज ही करना होगा जो सही होगा दैट इज द बेस्ट आंसर एंड आपको वो ही चूज करना है तो क्वेश्चन है वी नीड इलेवन प्लेयर्स टू प्रैक्टिस दिस स्पोर्ट हमें इन तीनों में से कोई एक गेम के लिए ग्यारह खिलाड़ी चाहिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए खेलने के लिए तो चलो आपको पता होगा कि हर स्पोर्ट में हमें क्या चाहिए होते हैं प्लेयर्स चाहिए होते हैं है ना और प्लेयर्स क्या होते हैं नंबर्स सबके क्या होते हैं अलग अलग होते हैं जैसे आपका जो खो खो का गेम होता है उसमें सेवन चाहिए होते हैं क्रिकेट का जो गेम होता है उसमें एलेवन चाहिए होता है बास्केटबॉल का जो गेम होता है उसमें आपको फाइव चाहिए होते हैं एक एक टीम में ऑलराइड और आपका जो वॉलीबॉल का गेम होता है उसमें कम से कम चार लोग चाहिए होते हैं तो हर एक गेम के क्या होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं अब चिल्ड्रन जो ये वाला है अब यहां पे क्रिकेट नहीं है तो आप डोंट गेट कंफ्यूज क्रिकेट तो टीचर ने बोल दिया तो क्रिकेट ही होगा बट आपके पास में ऑप्शन नहीं दिया गया है ऑप्शन है वॉलीबॉल फुटबॉल और बास्केटबॉल अब आपको बताना है कि इन तीनों में से ग्यारह खिलाड़ी किस गेम में होते हैं तो चिल्ड्रेन जैसे कि मैंने बोला वॉलीबॉल में आपको कम से कम चार लोग चाहिए होते हैं ठीक है तो चार में भी खेला जा सकता है यहां तो बोल रहे हैं कि आपको ग्यारह ही चाहिए बास्केटबॉल में चिल्ड्रेन आपको फाइव लोग चाहिए होते हैं एक टीम के हिसाब से अभी भी यहाँ पे ग्यारह बोला जा रहा है तो भाई ग्यारह प्लेयर्स कब चाहिए होते हैं So, 11 प्लेयर्स चाहिए होते हैं आपको फुटबॉल खेलने के लिए याद आया सॉकर हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं 11 इंक्लूडिंग जो आपका कौन होता है जो आपके नेट पे खड़ा होता है जो आपके गोल्स को बचाता है राइट सो चिल्ड्रन इन फुटबॉल यू नीड 11 प्लेयर्स जस्ट लाइक यू नीड 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट इज इट एंड दैट इज वाई द आंसर इज बी ऑप्शन फुटबॉल ऑल राइट Now, what is the next question? We use a small ball and a bat to play this sport. हमें children चाहिए एक छोटी सी ball, समझ गए? And a bat. और हमें चाहिए एक bat. छोटी तो सी बॉल और बैट हमें कौन से खेल में चाहिए होता है सब में तो एवरेज साइज की बॉल चाहिए होती हो चाहे बेसबॉल हो क्रिकेट हो फुटबॉल में तो बड़ी ही चाहिए होती है बास्केटबॉल में भी बड़ी चाहिए होती है छोटी बॉल हमें कौन से गेम में चाहिए तो देखते हैं हम ऑप्शन ए है स्विमिंग अब स्विमिंग में तो बैट बॉल का कोई लेना देना ही नहीं है ठीक है टेनिस और सी ऑप्शन है बेसबॉल अब दोनों में ही बैट बॉल लगते हैं टेनिस में ही बैट बॉल लगता है और बेसबॉल में ही बैट बॉल लगता है लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है बात हो रही है छोटी बॉल की स्मॉल बॉल की और स्मॉल बॉल हमें कब चाहिए होता है तो चिल्ड्रन स्मॉल बॉल इज नीडेड इन द स्पोर्ट ऑफ टेबल टेनिस ओके? दिस इज़ द बी ऑप्शन टेनिस। टेनिस टेबल में आपको चाहिए होती है छोटी बॉल बेस बॉल में आपको क्रिकेट की साइज की बॉल चाहिए होती है और इसलिए हमने बी ऑप्शन चूज किया है क्लियर तो यहाँ पे टेनिस होगा स्विमिंग और बेसबॉल नहीं होगा ओके नाउ पीपल राइड बाईस इन दिस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लोग होते हैं वो बाईसिकल चलाते हैं भाई इस स्पोर्ट में ए ऑप्शन है आपका साइक्लिंग बी ऑप्शन है आपका स्केट बोर्डिंग और सी ऑप्शन है आपका स्कीइंग तो भाई जिस नाम के पीछे लगा होगा साइक्लिंग उसी में ही आप साइक्लिंग से करेंगे ना तो यस चिल्ड्रन ए ऑप्शन साइकिलिंग क्योंकि आपको बाइसिकल चाहिए और ए में आपको साइकिल चाहिए फॉर साइक्लिंग बी में आपको स्केटबोर्डिंग स्केटबोर्डिंग में तो आपको बॉडी चाहिए होता है ठीक है और तीसरा स्कीइंग स्कीइंग में भी आपको साइकिल नहीं चाहिए चिल्ड्रन आपको बोर्ड चाहिए और दो स्टिक चाहिए जिसकी मदद से आप स्की करते हो तो यस इट इज ऑप्शन साइकिलिंग और हिंट भी क्यों है क्योंकि यहां पे भी साइकिल चाहिए और यहां पे जो स्पोर्ट है उसका नाम ही क्या है साइकिलिंग है एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए साइकिलिंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर ऑफ स्केट्स तो क्या क्या चाहिए पेयर ऑफ स्केट्स चाहिए तो पहले तो हमें क्या चाहिए दो स्केट्स चाहिए एंड अ स्केट स्टिक और डंडा चाहिए टू प्रैक्टिस दिस स्पोर्ट तो हमें ये जो स्पोर्ट है इन तीनों में से जो एक स्पोर्ट है उसके लिए हमें चाहिए स्केट्स और चाहिए स्टिक तो कौन सा वो स्पोर्ट है चिल्ड्रेन तो ऑप्शन है ए स्केट बोर्डिंग बी ऑप्शन है बॉक्सिंग और सी ऑप्शन है आइस हॉकी तो चिल्ड्रेन बॉक्सिंग तो क्रॉस कर दिया जाए क्योंकि बॉक्सिंग में तो ना ही आपको स्केट बोर्ड चाहिए ना ही आपको स्टिक चाहिए अब आपके पास में दो ऑप्शंस बचे क्या क्या है ए स्केट बोर्डिंग और दूसरा है आइस हॉकी सो so, चल रही जो स्केट बोर्डिंग होता है स्पोर्ट उसमें तो हमें सिर्फ स्केट चाहिए रहते हैं ना और जिसमें आपके व्हील्स लगे होते हैं स्टिक का तो कोई काम नहीं होता है तो स्टिक किस लिए चाहिए सो चिल्ड्रेन द गेम इज योर आइस हॉकी जिसमें आपको चाहिए होते हैं स्केट्स पैर ऑफ स्केट्स जो आप पैर में पहनते हैं और चाहिए होता है स्टिक जिसकी मदद से आप अपने डरेक्शंस लेते हैं येस yes, चिल्ड्रेन इस गेम को हम कहते हैं आइस हॉकी और आप अपने बॉल को पहुंचाने की कोशिश करते हो गोल तक येस दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर गेम चिल्ड्रेन और राइट तो ये गेम किसका है ये गेम है आइस हॉकी का जिसमें आपको चाहिए स्केट्स और चाहिए स्टिक टू प्रैक्टिस द स्पोर्ट ओके नाउ, वी यूज अ स्मॉल बॉल एंड अ क्लब टू प्ले दिस स्पोर्ट हमें चाहिए एक बॉल और हमें चाहिए क्लब इस गेम को खेलने के लिए ऑप्शन क्या है ए कराटे बी गोल्फ सी टेबल टेनिस तो चलो इन तीनों में से कौन सा सही आंसर है जिसमें आपको छोटी सी बॉल चाहिए और एक क्लब चाहिए तो कबड्डी में तो सॉरी कराटे में तो कोई बॉल का काम नहीं हुई कराटे में तो डुशुम -डुशुम होती है है ना हु हा, हु हा हा यही होता है ना कराटे में और चिल्ड्रेन बच्चे आपके पास गोल्फ और टेबल टेनिस तो चिल्ड्रन टेबल टेनिस के लिए भी आपको कोई क्लब नहीं चाहिए तो आपको जो छोटी सी बॉल और क्लब किसके लिए चाहिए होता है So children, the answer is golf. You need a ball and a club. Golf खेलने के लिए आपको club join करना पड़ता है और तभी जाके आप golf खेल सकते हैं या फिर practice कर सकते हैं So the right answer is B option. That is golf. Now we use goggles and we practice this sport in the water. हमें चाहिए गॉगल्स चश्मा और हमें चाहिए पानी इस स्पोर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए ऑप्शन है ए स्केटिंग बी एथलेटिक्स सी स्कूबा डाइविंग तो चिल्ड्रेन स्केटिंग एथलेटिक्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हमें गॉगल्स और वॉटर चाहिए सो हंड्रेड परसेंट इट इज स्कूबा डाइविंग वेन यू नीड गॉगल्स ताकि पानी आंखों में ना चला जाए और आपको वॉटर तो जाना ही है डाइव करने के लिए तो ये द आंसर इज सी ऑप्शन स्कूबा डाइविंग नाउ एंड वी नीड स्नो हमें जो हमें चाहिए होती है बर्फ और हमें चाहिए होती है ठंडी का मौसम ऑप्शन है ए स्विमिंग बी स्कीइंग और सी बोलिंग ओके तो क्या क्या चाहिए इस खेल को खेलने के लिए आपको सर्दी वाला माहौल चाहिए और दूसरा आपको चाहिए बर्फ तो ऑप्शन में जो तीन है एक तो स्विमिंग वो तो आप काट लो क्योंकि स्विमिंग में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपको बर्फ चाहिए और सर्दी का मौसम चाहिए अगर बर्फ और सर्दी का मौसम मिल गया तो आप पानी में ही नहीं उतर पाओगे स्विमिंग करने के लिए तो स्विमिंग तो नो 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 देन चिल्ड्रन बोलिंग बोलिंग जो गेम होता है आई होप सो कि आपने भी खेला होगा जब आपके सामने बहुत सारे क्या लगे रहते हैं सामने रहते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और आपको दी जाती है बॉल और आपको एक थ्रो में वो सारे ऑब्जेक्ट्स को गिराना होता है सो दैट गेम इज़ बोलिंग तो उसके लिए भी ना हमको विंटर्स चाहिए ना ही हमको स्नो चाहिए तो हमें आखिर किस लिए चाहिए तो हमें चाहिए चिल्ड्रन स्की करने के लिए जो स्की होता है स्पोर्ट उसके लिए आपको जाना पड़ता है सर्दियों की जगह में ही और जहां स्नो हो रही होती है कि जो स्की किया जाता है दैट इज डन इन स्नो ओनली ऑल राइट सो द स्पोर्ट इज योर स्कीइंग दैट इज बी ऑप्शन देन इन दिस स्पोर्ट टू मेन और टू विमेन आर फाइटिंग इस स्पोर्ट में दो आदमी या और दो औरतें फाइट कर रहे होते तो ये तो आपको पता होगा आई एम श्योर ए ऑप्शन है बोलिंग नो 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 बी ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में लड़ रहे होते हैं क्या नहीं यार चुपचाप आते अपना वजन उठाते हैं वेट उठाते हैं और चले जाते हैं ऑल राइट right. और थर्ड ऑप्शन है आपका बॉक्सिंग सो यस चिल्ड्रन आई न्यू आपको ये पता होगा बॉक्सिंग जिसमें आपको दो लोग चाहिए होते हैं या दो मेल्स या दो फीमेल्स और बॉक्सिंग कर करके अपने पॉइंट्स बढ़ाते हैं येस द गेम इज बॉक्सिंग दैट इज ऑप्शन सी चिल्ड्रन okay, तो यहाँ हो गई आपकी एक्सरसाइज खत्म चैप्टर वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स की आपको बहुत मजा आया होगा आई एम नो यस सो चिल्ड्रन आपने कर लिया सॉल्व आपको अब समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली exactly जो थोड़े बहुत स्पोर्ट्स इवेंट्स थे जिनके बारे में आपको नहीं था आइडिया आज आपको अच्छी तरह से हो गया है आइडिया जैसे कि जिमनास्टिक्स स्की आइस हॉकी स्केटबोर्डिंग स्कूबा डाइविंग राइट right. सो so, यहीं पे खत्म करते हैं हम इस चैप्टर को अब एक एक इंफॉर्मेशन के अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं जाना होता है सिंपली गूगल क्रोम पे लिखना होता है डब्ल्यू उसके बाद चिल्ड्रेन की साइट खुल जाती है उस पर लिखा रहता है इंडिया इज नंबर वन हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे दी रहती हैं इस तरह से क्लासेस अब आप जो भी क्लास में होते हो आपको क्लास करनी होती है क्लिक उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद्य सब्जेक्ट्स दिख जाते हैं ठीक है जैसे अगर आपको जीके पढ़ना होता है क्लास थ्री का आपने जीके क्लिक किया तो आपके जीके के सारे वीडियोस दिख जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर वीडियो अगर देखना होता है प्ले कर लीजिए बटन और वीडियो हो जाएगा स्टार्ट तो यहाँ खत्म करते हैं हम अपना चैप्टर वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में अगले क्लास में हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे क्योंकि मैग्नेट ड्रेन प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोज एंड दैट इज वाई आपको क्या करना है फॉलो करना है सब्सक्राइब करना है और लाइक like करना है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए ख्याल रखिए बाय बाय